बड़ी खबर आई दिल्ली से, जहां केंद्र सरकार ने देश भर में सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया, करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे केंद्र सरकार का बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर अधिसूचना जारी करने की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को वहां की नागरिकता मिल जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए गैर मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। देश भर में सीएए लागू होने की खबर मिलते ही जश्न भी शुरू हो गया। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। एक मंदिर के सामने इकट्ठा होकर मतुआ समुदाय के लोगों ने ढोल बजाकर जश्न मनाया और अपनी खुशी का इजहार किया। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। ये सभी लोग लंबे वक्त से भारत में स्थायी नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहे थे और सीएए लागू हो जाने के बाद इन्हें भारत की नागरिकता देने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि सीएए के तहत भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी जिन्होंने दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण ली हो। 5 साल पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया था, लेकिन विरोध के बाद ये कानून ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सीएए लागू करके बहुत बड़ा दांव चल दिया। हालांकि इसके साथ ही पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली, लखनऊ और गुवाहाटी में पुलिस की टीम जगह जगह तैनात हो गई और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। असम के गुवाहाटी शहर में भारी संख्या में पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान तैनात दिखाई दिए। कुछ संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। सीएए पर नोटिफिकेशन जारी होते ही उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। राजधानी लखनऊ में पुलिस की टीम फ्लैग मार्च करती नजर आई। उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने संवेदनशील जिलों में ज्यादा फोर्स की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए। पूरे राज्य में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी करने के भी निर्देश दे दिए गए। देश की राजधानी दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट हो गई। शाहीन बाग इलाके में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट हो गई। सोशल मीडिया पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी। लोगों से झूठी और भ्रामक पोस्ट शेयर न करने की अपील की गई। दिल्ली का शाहीन बाग वही इलाका है जो 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। लेकिन सीएए को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेता सीएए के मुद्दे पर भिड़ गए। बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले को बहुत बड़ा कदम बताया, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस फैसले को बीजेपी का सियासी खेल बता दिया। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीजों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है सीएए, नागरिक संशोधन बिल। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीएए खेलेंगे, खेलने तो